नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। और मैं हूं राजेश रंगा, और आज हम पहुंचे हैं अभी सफेदों के नाग क्षेत्र मंदिर में। यहां पर चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा, और उनके द्वारा यहां पर जो चोरी की गई है, मैं आपको सीधा लाइव तस्वीरें सफेदों के नाग क्षेत्र से दिखा रहा हूं। और यहां पर ये देखिए, इस प्रकार से चोरों ने इस गुल्लक को भगवान के गुल्लक को इसको निशाना बनाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, सफेदों के नाग क्षेत्र भगवान शंकर का ये मंदिर है। ये देखिए, नाग क्षेत्र के पास बिल्कुल भगवान शंकर का ये और ये देखिए यहाँ पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, सफेदों का नाग क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर ये मंदिर बनाया हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल के ठीक सामने नाग क्षेत्र मंदिर अंदर है, और बाहर जो है भक्तों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। भक्तों के द्वारा ये देखिए यहां पर, और इस गोलक से, और ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा सफेदों से बड़ी खबर, चोरों के द्वारा यहां पर कल देर शाय पंडित जी कहां गए। ये तो चुराए के वास्ता के ना, मंदिर के एंट्री के अंदर है ना, और जो यहाँ के भक्त हैं, आइए इधर, आप भी तो सहायता करते हैं जी। सर, सर क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से यहाँ मंदिर में चोरों ने, ये भी भगवान का मंदिर में ये चोरी होती है डेली वेज, कोई अच्छी बात तो है नहीं, कोई मानता है कोई नहीं मानता इसको, फिर मानने वाला चोर है ना, जो ये 3 महीने से अंदर से अब लिख रहा है बार, अब फिर चोरी करने लगी। ये पुलिस वाले का हाथ है या किस का हाथ है? तो अंदाजन कितना पैसा होगा यहाँ से जो मंदिर? देखो जी, मंदिर में तो कल भी बहुत संख्या में बंदे आए थे, कोई 10 रुपये 5 रुपये देता है कोई भी, अलग होंगे 5,000 रुपये तो होंगे जरूरी। बिल्कुल। क्या नाम? मेरा डॉक्टर रामेर। क्या रहेगा इस देश का जी? इस देश का बेड़ा गर्क होगा जी। जो लोग नशे करते हैं और जो नशे करते हैं और नशे के उसमें और भगवान के घर में ही चोरी कर लेते हैं, तो उनका वो हालात उनकी बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। आप भी श्रद्धालु हैं जी, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आप भगवान को भी चोरों ने नहीं बख्शा? देखो जी, कई मंदिरों में सफेदों के जो कई मंदिरों में चोरी हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस बात के सवालिया निशान है। भगत तो इसमें कुछ नहीं कर सकते जी, जिसकी थिंकिंग ये है कि हमने तो अपना नशा करना है, उसकी कोई भी पूर्ति नहीं होती, चाहे भगवान के दरबार से चुरा ले या अपने घर से चुरा ले, उसकी तो सोच ही है कि मैंने अपना नशा पूरा करना है। लेकिन जिन बच्चों ने भी किया है, जिन शख्स ने भी किया है, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि कब तक पूरा पटेगा उनका नशा? तो सारी उम्र का है, लेकिन चोरी से पूरा नहीं पटता उनका घर का। आगे बच्चे होंगे, शादी होगी, तो उसके लिए उनको कमाना तो पड़ेगा, कब तक चोरी से गुजारा होगा उनका? और ये मैं कहते हैं तो प्रशासन की लापरवाही है, जो जिनको पकड़ा था उन्होंने फिर छोड़ दिया, उन पर कम से कम केस हो, किसी दिखाएं किसी शख्स को कि भाई ये बच्चे हैं, इनके अखबार में पोस्ट लगाएं बोली, तो उनको पहचान बनानी चाहिए कि इन बच्चों से सावधान या इस शख्स के साथ सावधान होना चाहिए। अब प्रशासन जब कुछ करें तो पब्लिक आ रहा, हम कुछ करने कुछ नहीं कर सकते, ये तो केवल हम देख करके इतराज कर सकते हैं क्यों किया ऐसा उसने।
लेकिन उसके अलावा हम खजाना इसमें ला सकते वापस, ये तो भगवान की कृपा से हुआ आगे परमात्मा। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से, ये गोलक है, इस नीचे का जो हिस्सा है ये देखिए, यहाँ से चोरों ने देर साए इस गोलक से एक पैसा भी इन्होंने नहीं छोड़ा और वो निकाल करके चले गए हैं भगवान शंकर के ठीक सामने। और जैसे ही दिवाली का त्योहार आता है भगत यहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं गोलक के अंदर, जो इस गोलक से पैसा आता है उसी से इसकी रेख देख जो है यहां पर रेख देख की जाती है, जो यहां पर रेड़ी लगाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरकारी हॉस्पिटल, सामान्य हॉस्पिटल सफीदों का ये, और इसके ठीक सामने जो नशा करते हैं उनके द्वारा ही ये चोरी की गई है। पुलिस को इस बात की सूचना जो है वो दे दी गई है। अभी पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है सफीदों से एक बड़ी खबर, चोरों ने कई मंदिरों को निशाना बनाया और जिसमें से लाखों रुपए लेकर के चोर जो है फरार हो जाते हैं। जो इस प्रकार का चोरी करते हैं वो नशेड़ी टाइप के नशा करने वाले चोर हैं, उनका नशा पूरा ना होने से वो मंदिरों को निशाना बनाते हैं और मंदिरों से चोरी करते हैं। तो बने रहें सिटी न्यूज के साथ, 24 पब्लिक न्यूज के साथ और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।